हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग अदर स्वाति ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज देखिए मैंने अदर के लिए क्या मंगाया है, मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी दिन से मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। मुझे एक टी शर्ट इसके लिए बहुत पसंद आ रही थी, और भी कपड़े मैंने मंगाए थे, बट वो मेरे फेवरेट कलर की थी और वो सबसे ज़्यादा लेट आई। इसके अलावा मैंने और भी कुछ मंगाया है अदर के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और अदर के लिए सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि वो सब मैं पहले से अवेलेबल रखूँ। अगर सर्दियाँ एकदम से आएंगी तो एकदम से मैं नहीं लेकर आ पाऊँगी, और मैं मार्केट जा नहीं पाऊँगी, और ऑनलाइन आने में टाइम लगता है। जैसे अभी भी मैंने काफ़ी दिन से इसका सामान ऑर्डर कर रखा था, लेकिन काफ़ी लेट लेट सामान आ रहा है, तो इसी वजह से। तो हेलो अदर, देखो अदर कैसे खेल रहा है। अभी अदर दूध वगैरह पी के आराम से खेल रहा है। अदर हाय बोलो सबको, हाय हेलो बोलो, हाय बोलो ऐसे के। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, के तो मेरे लिए प्लीज कर दीजिए। मैं ना प्यारा सा बच्चा हूँ, बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ, देखो। सो फ्रेंड्स, अदर ना ऐसे वाले कपड़ों में बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अदर के लिए क्या मंगाया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सबसे फेवरेट टी शर्ट कौन सी मंगाई है अदर के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अदर के लिए क्या मंगाया है। अदर के लिए ये आई है उसकी बहुत ही प्यारे कलर की एक स्वेट शर्ट मैंने मंगाई है। ये देखिए, सर्दियों में इजीली उसको पहन सकता है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर की है, और ये किस कंपनी की है मैं बता देती हूँ। बॉनफिनो कंपनी इसमें लिखा है, बॉनफिनो की फुल स्लीव्स की स्वेट शर्ट है। देखिए दोस्तों, आप प्लीज़ देख के मुझे बताइए कि कैसी लग रही है। ये इस पर लिखा है चिल चिल चिल, और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, और बहुत ही सिंपल सोबर सी स्वेट शर्ट है। इवन इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत प्यारा है। सो दोस्तों, मुझे फर्स्ट क्राई से काफ़ी इजीली होता है सब कुछ मंगाना, और मेरा उसके साथ फीडबैक भी बहुत अच्छा है कि वहाँ से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं आई है अभी तक मेरे पास। बस एक बार का फीडबैक है कि वो थोड़ा सा एक बार कलर चेंज आ गया था। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अलावा दोस्तों देखो, मैंने अदर के लिए मंगाया है एक ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, कैसा मैंने मंगाया। वैसे मैंने पिंक कलर का मंगाया, पिंक बेसिकली लड़कियों के लिए फेवरेट होता है, पर लेकिन ये मैंने इसमें पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये मैंने मंगाया है बटरफ्लाई कंपनी का, और ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है, क्योंकि वहाँ पर इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत प्यारा था। और ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा सा ब्लैंकेट है, काफ़ी बड़ा ब्लैंकेट है, आप देखिए, और कितना क्यूट भी है। इसमें एक अच्छी सी ऐसी ड्राइंग बनी हुई है कि वो बहुत बेबीज़ के लिए बहुत प्यारा है। तो ये इसका इवन बहुत सॉफ्ट है, बहुत जिसको बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ऑर्डर कीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको भी ये मंगा के कैसा लगा। और ये छोटे से बैग में आया है, ये बटरफ्लाई नहीं फ्रेंड्स, इसकी कंपनी है बटर थीफ करके। मुझे लगा बटरफ्लाई है, बटर थीफ है, इट्स बटर थीफ। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अदर का ब्लैंकेट कैसा लगा। फ्रेंड्स देखिए, अभी अदब कर रहे हैं मस्ती, और देखिए अदब कितने अच्छे से मस्ती करते हैं। अगर उनके सामने कैमरा या मोबाइल आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि वो शायद किसी से बात कर रहे हैं। अदब हेलो हेलो बोल के दिखाओ, हेलो, हाँ बात करो। अदब 4 मंथ्स के हो चुके हैं कंप्लीट, और अब वो थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा शैतानियाँ करने लगे हैं,
और मेरा पता है अदर्व के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता। इवन मुझे, मैं पहले चीज़ों को लेके डिप्रेशन हो जाती थी, बट अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं होता। अभी एक्चुअली डिनर का टाइम हो गया है, जस्ट मैं अभी राजमा चावल बनाने ही जा रही हूँ। और मैं राजमा चावल बनाने के लिए एक्चुअली मेरे पास, मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ और मेरे पास हरी मिर्च ख़त्म हो गई है। सो देखती हूँ कि मैं बाहर लेने जाती हूँ, या अभी कोई सब्जी वाला अगर बाहर आ जाता है तो मैं उससे ले लूँगी। तो देखते हैं कि सब्जी वाला आता है कि मैं बाहर लेने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी तक कोई सब्जी वाला नहीं आया और मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं आज अदर को लेकर ही बाहर जा रही हूँ सामान लेने के लिए। और जस्ट ये मेरा बैग है, मैं इसी बैग को लेकर जाती हूँ ताकि इसको मैं आराम से कैरी कर सकूँ और कुछ भी गिरे नहीं, या कोई अगर पॉली बैग होता है तो उसमें फटने का डर लगता है, तो मैं यही बैग लेके बाहर जा रही हूँ अभी। दोस्तों, मैं मिलती हूँ बाहर से आने के बाद। तो दोस्तों, वैसे मैं बंद करके नहीं जाऊँगी, घर ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, और मैं जस्ट अभी लेके आ जाती हूँ हरी मिर्ची। और दोस्तों, जैसे ही मैं बाहर जा रही थी तो दोस्तों जैसे ही मैं बाहर जा रही थी तो मुझे आवाज़ आ गई है सब्ज़ी वाले की, तो मैं अभी उसी से सब्ज़ी ले लूँगी, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और मैं उसी का वेट करती हूँ। जैसे ही वो आती है तो मैं लेती हूँ सब्ज़ी। वो हरी मिर्च है क्या? हाँ। हरा धनिया भी है? हाँ। दस दस की कर दीजिए दोनों चीज़ें। और फ्रेंड्स, हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ मैंने और भी सब्जी ले ली, और देखो अदर कैसे झुक रहा है, और ये देखो ये सीधा ही नहीं हो रहा है, इसलिए कैरी करने में बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है मुझे बेल्ट मंगानी पड़ेगी बच्चों को कैरी करने वाली। तो मिलते हैं आपसे राजमा चावल बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ, वो बस बाहर ही थी, अभी भी सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, सब्जी वाले की नहीं, एक्चुअली सब्जी वाली की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, पता नहीं मेरे जैसी पता नहीं कितनी औरतें होती हैं जिनको पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो मैं इसीलिए मैं ज़्यादा तो नहीं, मैंने आलू प्याज, आलू थे मेरे घर में तो मैंने प्याज ले ली है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, मैंने ये सब ले लिया है। और अब मैं जस्ट अपने खाना बना के, राजमा चावल बना के, और जस्ट फटाफट से मैं अपने काम करूँगी ख़त्म, जो भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे डेली रूटीन के काम होते हैं, तो वो सब ख़त्म करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने राजमा चावल बना लिए हैं दोनों कुकर में, एक में राजमा एक्चुअली थोड़े से गले नहीं थे, तो वैसे मैंने तड़का तो कढ़ाई में लगाया था लेकिन वो गले नहीं थे, इस वजह से मैंने दोबारा सीटी लगा दी उसमें, और मैंने अदरक की बॉटल वगैरह सब धुलकर बॉईल करके रख दी है, और पानी भी गर्म कर दिया है। जस्ट मैं आपको खाने के टाइम पर मिलती हूँ, जस्ट मैं आपको मिलती हूँ और थोड़ी देर में बताती हूँ कि राजमा चावल कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी वो कुकर में ही है जस्ट। तो गाइस देखिए, मेरा डिलीशियस खाना बनके हो गया है रेडी, और बहुत ही अच्छा राजमा बना है ये देखिए। और अभी अदर क्या कर रहे हैं, अदर हाय बोलो। हाँ अदर। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एक्चुअली अदर भी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो अब मैं अदर को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, और डिनर करके बस जस्ट मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, अपना जो भी मेरा एडिटिंग का काम है, और आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।